आरटीओ के संभागीय उड़न दस्ता द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर शुक्रवार को उज्जैन में उस समय गफलत हो गई जब आरटीओ के संभागीय उड़न दस्ता द्वारा की जा रही कार्रवाई को फर्जी बताकर इस खबर को वायरल कर दिया गया। सूचना मिलने पर उज्जैन आरटीओ संतोष मालवीय मौके पर पहुंचे, तब यह क्लियर हुआ कि संभागीय उड़न दस्ता द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। आरटीओ संतोष मालवीय के मुताबिक इस तरह की सूचना मिली थी कि संभागीय उड़न दस्ते के नाम पर कतिपय फर्जी लोग उनेहल रोड पर गाड़ियों को रोककर कार्रवाई कर रहे हैं। इस सूचना पर मौके पर पहुंचा था, जांच करने पर पता चला कि खबर भ्रामक है और संभागीय उड़न दस्ता द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही थी। टू स्टार उसको मैं पहली बार मुलाकात हुई थी, मैं नहीं जानता था कि हमारे बस में हालांकि वर्दी वगैरह भी रहे, उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया कि वो नए गांव में जो है चेक पोस्ट पर प्रभारी है जगदीश मीणा जी, उनके अंडर में काम कर रहे हैं। और इस संबंध में जब पूरी जाँच वाँच की गई तो मालूम पड़ा कि हमारे संभागीय उड़न दस्ता प्रभारी के अंडर में काम कर रहे हैं और पूरे संभाग में कहीं भी चेकिंग कर सकते हैं। दरअसल संभागीय उड़न दस्ता द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर उन्हीं वाहन मालिकों द्वारा सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर फैलाई गई थी जिनकी गाड़ियों को रोककर संभागीय उड़न दस्ता द्वारा कार्रवाई की गई थी, इसी को लेकर गफलत की स्थिति बनी। वीवीएस सेंगर, सिटी चैनल, उज्जैन।